वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में इस तरह ढक्कन डालकर लंच बैग बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। इस लंच बैग कम्प्लीटली सीवन कर नॉट यूज करके मैं बनाई हूँ। ये बनाने के बहुत आसान है। इस लंच बैग बनाने के लिए मैं 1.5 रोल प्लास्टिक वायर यूज करी हूँ। इस बैग का साइज लेंथ में 9 इंचेस है, विड्थ में 4 इंचेस है, हाइट 7 इंचेस है। ये मिनी साइज लंच बॉक्स रखने के लिए इस तरह बैग मैं बनाई हूँ। ऊपर लिड डालकर उसमें एक लॉक भी मैं बनाई हूँ। आप बिगिनर्स रहे तो सेवन कर नॉट बनाने का तरीका ऊपर का लिंक में मैं दी हूँ। इस वीडियो में भी क्लियरली मैं बताई हूँ। उस वीडियो को देखकर आप सेवन कर नॉट बनाने का तरीका सीख सकते हैं। आपको चाहिए तो सेम इसी मेथड में बिग साइज भी आप बना सकते हैं। बिग साइज बैग बनाने का मेजरमेंट आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं बताती हूँ। इस बैग के लिए मैं 4 वायर यूज करके हैंडल भी बनाई हूँ। इसमें लॉक रखने के लिए एक फ्लावर भी मैं बनाई हूँ। ये फ्लावर बनाने का तरीका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हूँ, देख लीजिए। अब चलिए ढक्कन डालकर सेवन कर नॉट लंच बैग बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। उसका पहले अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाई, तभी मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। इस बैग बनाने के लिए मैं 2 कलर में वायर्स ली हूँ, व्हाइट कलर और पर्पल कलर में वायर्स ली हूँ। आपको अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक वायर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके आप ले सकते हैं। इसमें व्हाइट कलर वायर ज्यादा चाहिए, पर्पल कलर वायर थोड़ा कम चाहिए, इसीलिए व्हाइट कलर में 2 रोल वायर ले लीजिए, पर्पल कलर में 1 रोल वायर ले लीजिए। इसके बाद सेंटर में इस तरह कट करे बाद अंदर का वायर को लेकर मेजर कर लेना है। इसी मेथड में वायर को लेकर आप मेजर करें तो वायर्स उलझा नहीं हो सकता है। इसके बाद 1 फीट स्केल लेकर आप मेजर कर सकते हैं। आप इंच टेप में भी मेजर कर सकते हैं। आप 1 फीट स्केल लेकर उसके ऊपर 3 टाइम्स रैप कर लेना है। इस तरह 3 टाइम्स रैप करे बाद 6 इंचेस भी लेकर कट कर लेना है। टोटल 6.5 फीट मेजर करके कट कर लेना है। आप इंच टेप का मेजरमेंट लिए तो 2 मीटर मेजर करके कट कर लेना है। इस तरह एक वायर पीस पर्पल कलर में कट करे बाद सेम इस वायर को लेकर नेक्स्ट वायर्स भी कट कर लेना है। पर्पल कलर में 14 वायर्स कट कर लेना है। सारे वायर्स भी सेम मेजरमेंट रहना है, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद व्हाइट कलर वायर को लेकर सेम इसी मेथड में सेंटर में कट करे बाद अंदर का वायर को लेकर मेजरमेंट लेना है। व्हाइट कलर में 7.5 फीट मेजर लेकर कट कर लेना है, क्योंकि बैग के ऊपर लॉक डालने के लिए 1 फीट वायर ज्यादा लेना है। व्हाइट कलर में 7.5 फीट मेजर करके कट कर लेना है। इंच स्टेप का मेजरमेंट आप लिए तो 2.25 सेंटीमीटर कट कर लेना है। व्हाइट कलर में 7 वायर्स कट कर लेना है। देखिए मैं सारे वायर्स भी कट करी हूँ। पर्पल कलर में 14 वायर्स कट करी हूँ। एक वायर पीस का लेंथ 6.5 फीट है। व्हाइट कलर में 7 वायर्स कट करी हूँ। एक वायर पीस का लेंथ 7.5 फीट है। इस तरह कट करे बाद इक्वल फोल्ड करके एक रबर बैंड डालकर रख लीजिए, तभी आपको नॉट बनाने पे आसान रहेगा। इसके बाद पर्पल वायर का जरूरत नहीं है, सारे लाइंस में व्हाइट कलर वायर में भी आप बना सकते हैं। पहले व्हाइट कलर वायर को लेकर 3 फीट मेजर कर लेना है। इस तरह 3 फीट मेजर करे बाद इसमें वायर्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह 3 फीट वायर मेजर करे बाद इस तरह फोल्ड करके लेफ्ट हैंड में रख लेना है। इसमें देखिए ऊपर का पार्ट में 3 फीट है, नीचे का पार्ट बंडल में ज्वाइन हुआ है। इस तरह पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए। इसके बाद कट करी हुई वायर पीस में एक वायर पीस लेना है, पर्पल वायर ही लेना है। मैं ऑलरेडी इक्वल फोल्ड करके रबर बैंड डालकर रखी हूँ, उसी लिए फोल्ड करने का जरूरी नहीं है।
उसमें एक वायर पीस को लेना है। बाद में राइट हैंड वायर पीस को लेकर लेफ्ट हैंड का वायर के ऊपर रख लेना है। बाद में रनिंग वायर को लेकर इसके ऊपर रख लेना है। बाद में नीचे का पर्पल वायर को लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में इस नॉट को अच्छा पुल करके टाइट कर लेना है। इसमें दो पर्पल वायर है, इस दो वायर्स भी इक्वल है क्या चेक कर लीजिए। इक्वल नहीं रहा तो थोड़ा लूज करके एडजस्ट कर लीजिए। देखिए मैं एक नॉट बनाई हूँ, सेवन कट नॉट में एक नॉट नॉर्मल नॉट बनाना है, एक नॉट सेवन कट नॉट बनाना है। उसी लिए नेक्स्ट नॉट सेवन कट नॉट बनाना है। सेवन कट नॉट बनाने का तरीका आप बताती हूँ। अब देखिए इस नॉट में लेफ्ट साइड का वायर 3 फीट है, राइट साइड का वायर बंडल में जॉइंट हुआ है। राइट साइड का वायर में ही नेक्स्ट नॉट बनाना है। कट करी हुई वायर पीस में पर्पल कलर वायर पीस एक लेकर रनिंग वायर का पीछे रख लेना है। बाद में रनिंग वायर को लेकर इस तरह ये शेप बनाना है। ये शेप बनाकर इस तरह पर्पल लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में नीचे का उल्टी वायर को लेकर लेफ्ट साइड में उल्टी वायर को लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में इस नॉट को अच्छा पुल करके टाइट कर लेना है। देखिए सेवन का नॉट मिला है। सेवन का नॉट इस तरह राइट साइड में है, नॉर्मल नॉट लेफ्ट साइड में है। इस तरह सेवन का नॉट बनाना है। देखिए इस वायर भी इक्वल है क्या चेक कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट बनाना है। पहले रनिंग वायर को फोल्ड कर लेना है। बाद में पर्पल वायर को लेकर इसके ऊपर रख लेना है। बाद में रनिंग वायर को लेकर ऊपर रख लेना है। नीचे का पर्पल उल्टी वायर को लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में नॉट को अच्छा टाइट कर लेना है। इसी तरह एक नॉट नॉर्मल नॉट, एक नॉट सेवन कट नॉट, इस तरह बनाते जाना है। आपको सेवन कट नॉट बनाने का तरीका डिफिकल्ट रहा तो बेसिक नॉट में भी इस तरह डिजाइन आप बना सकते हैं। देखिए इसी मेथड में मैं नॉट्स बनाई हूँ। टोटल 7 नॉट्स पर्पल कलर में बनाना है। अब देखिए थर्ड नॉट नॉर्मल नॉट मैं बनाई हूँ। इसके बाद 7 का नॉट बनाना है। और एक बार सेवन कट नॉट बनाने का तरीका बताती हूँ। पहले इस तरह पर्पल वायर को लेकर रनिंग वायर का पीछे रख लेना है। बाद में व्हाइट कलर रनिंग वायर को लेकर इस तरह एस शेप में रख लेना है। बाद में इस पर्पल कलर लूप के अंदर इस तरह रख के बाद लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर को लेकर इस लूप के अंदर, व्हाइट कलर लूप है ना, उस लूप के अंदर इस तरह रख लेना है। तभी नॉट आसान से आप बना सकते हैं। इसके बाद नीचे उल्टी वायर लेफ्ट साइड में है, उस उल्टी वायर को लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में नॉट को अच्छी तरह टाइट कर लेना है। इस तरह सेवन का नॉट बनाना है। बाद में नॉर्मल नॉट बनाना है। इस तरह 7 पर्पल वायर्स भी ज्वाइन कर लेना है। एक एक नॉट बनाए बाद दो वायर्स भी, ऊपर का वायर नीचे का वायर दो वायर्स भी इक्वल है क्या चेक कर लेना है, तभी वायर शॉर्टेज नहीं हो सकता है। अब देखिए मैं 7 नॉट्स भी बनाई हूँ। लास्ट नॉट नॉर्मल नॉट मैं बनाई हूँ। इसके बाद व्हाइट कलर वायर ज्वाइन कर लेना है। व्हाइट कलर वायर में 7 का नॉट बनाना है। यहाँ व्हाइट कलर वायर में थोड़ा चेंजेस कर लेना है, तभी इस बैग का लॉक बना सकते हैं। देखिए व्हाइट कलर वायर को लेकर इस पर्पल वायर का मेजर लिए बाद फोल्ड कर लेना है, इक्वल नहीं फोल्ड कर लेना है। मेजर करी हुए पार्ट को नीचे रखकर इस तरह फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ भी 7 का नॉट बनाना है। देखिए मैं और एक बार भी बताती हूँ। व्हाइट वायर को लेकर पर्पल वायर का मेजर लिए बाद फोल्ड कर लेना है।
मेजर करी पार्ट नीचे रख लेना है। नीचे रख के बाद नॉट बनाना है। व्हाइट कलर वायर 7 वायर्स है, 7 वायर्स में भी सेम इसी तरह नॉट बनाना है। यहाँ भी एक नॉट सेवन का नॉट, एक नॉट नॉर्मल नॉट ही बनाना है। सिर्फ व्हाइट कलर वायर में ही इस तरह बनाना है। नेक्स्ट पर्पल कलर वायर बनाने पे इस तरह नहीं बनाना है, इक्वल फोल्ड करके पहले बनाए जैसा बनाना है। मैं और एक बार सेवन का नॉट बनाने का तरीका बताती हूँ। व्हाइट कलर वायर पीस को लेकर रनिंग वायर को पीछे रख लेना है। बाद में रनिंग वायर को लेकर एस शेप में रखे बाद इस लूप के अंदर रख लेना है। बाद में नीचे का उल्टी वायर को लेफ्ट साइड में लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में इस नॉट को टाइट कर लेना है। इस तरह व्हाइट कलर वायर्स में भी नॉट बनाते जाना है, एक नॉट सेवन का नॉट, एक नॉट नॉर्मल नॉट, इस तरह कंटिन्यूसली बनाते जाना है। 7 व्हाइट कलर नॉट्स आपको मिलेगा। इसके बाद रिमेनिंग 7 पर्पल वायर को भी ज्वाइन कर लेना है। इस तरह सारे वायर्स को भी इस लाइन में ज्वाइन कर लेना है। मैं इस लाइन बनाए बाद बताती हूँ। अब देखिए मैं एक लाइन बनाई हूँ, इसमें 21 नॉट्स है। पहले 7 नॉट पर्पल वायर में मैं बनाई हूँ, उसमें मिक्स्ड कलर में नॉट मिला है। इसके बाद 7 नॉट व्हाइट कलर वायर ज्वाइन करी हूँ, उसमें व्हाइट कलर नॉट मिला है। इसके बाद 7 पर्पल वायर ज्वाइन करके मिक्स्ड कलर में नॉट बनाई हूँ। इसके बाद रनिंग वायर को लेकर कट कर लेना है। रनिंग वायर को 3 फीट मेजर करे बाद कट कर लेना है। ये इस बेस का फर्स्ट लाइन है। ये फर्स्ट लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ एक नॉट डालकर रख लेना है। इसमें ऊपर का सारे वायर्स भी इक्वल है, नीचे का वायर व्हाइट कलर वायर ज्यादा है, पर्पल कलर वायर कम है। ऊपर का वायर में ही नॉट्स बनाना है। जनरली दो साइड में भी इक्वल लाइंस बना सकते हैं। इस बैग में थोड़ा डिफरेंट है, उसीलिए सिर्फ ऊपर का साइड ही लाइंस बनाना है, नीचे का साइड नहीं लाइंस बनाना है, तब ही इस बैग का ढक्कन डाल सकते हैं। उसीलिए इस फर्स्ट लाइन के ऊपर लाइंस बनाइए, नीचे नहीं लाइंस बनाना है, वो याद में रख लीजिए। इसके बाद व्हाइट कलर रनिंग वायर को लेकर 3 फीट मेजर कर लेना है। बाद में नेक्स्ट लाइन बनाना है। नीचे का फर्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट में मैं बनाई हूँ। के बाद नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट नॉट 7 का नॉट में बनाना है। राइट साइड में भी वैसा बनाना है, ऊपर का लाइन में भी वैसा, एक नॉट नॉर्मल नॉट, एक नॉट 7 का नॉट, इस तरह बनाते जाना है। उसीलिए सेकंड लाइन का फर्स्ट नॉट 7 का नॉट बनाना है। देखिए सेकंड लाइन में फर्स्ट नॉट 7 का नॉट में बनाई हूँ। बाद में नेक्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट बनाना है। सेकंड नॉट नॉर्मल नॉट बनाए बाद नेक्स्ट नॉट 7 का नॉट बनाना है, तब ही इस तरह 7 का नॉट परफेक्ट मिलेगा। देखिए इस तरह एक नॉट सीधा है, एक नॉट उल्टी है, इस तरह इस लाइन मिला है। सेम इसी तरह सेकंड लाइन भी कंटिन्यूसली नॉट बनाना है। सेकंड लाइन बनाए बाद बताती हूँ। अब देखिए मैं सेकंड लाइन बनाई हूँ। इसके बाद रनिंग वायर को 3 फीट मेजर करे बाद कट कर लेना है। देखिए इस तरह होल्स मिला है। इस होल देखने के लिए अंकी का शेप है, उसीलिए इसको 7 का नॉट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर्पल वायर में बनाना है। पर्पल वायर को लेकर 3 फीट मेजर करे बाद नॉट बनाना है। इसमें फर्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट बनाना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में नॉर्मल नॉट में स्टार्ट करी हूँ, सेकंड लाइन में 7 का नॉट में स्टार्ट करी हूँ, उसीलिए थर्ड लाइन में नॉर्मल नॉट में स्टार्ट कर लेना है। फर्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट बनाए बाद सेकंड नॉट 7 का नॉट बनाना है। इस तरह थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। थर्ड लाइन कंप्लीट करे बाद लास्ट में 3 फीट मेजर करे बाद कट कर लेना है। सेम इसी तरह इस बेस को कंप्लीट कर लेना है।
अब देखिए मैं इस बेस को कंप्लीट करी हूँ। फर्स्ट टू लाइंस व्हाइट कलर रनिंग वायर यूज करके मैं बनाई हूँ, नेक्स्ट फाइव लाइंस पर्पल कलर वायर यूज करके बनाई हूँ, लास्ट दो लाइंस व्हाइट कलर वायर यूज करके मैं बनाई हूँ। इस तरह शेप मिला है। इस बेस में टोटल 9 लाइंस मैं बनाई हूँ। दो साइड में भी 3 फीट वायर छोड़कर मैं कट करी हूँ। इस बेस में ऊपर का साइड वायर कम है, नीचे का वायर ज्यादा है, इस तरह मिला है, तब ही इस बैग का ढक्कन बना सकते हैं। इसके बाद ऊपर का लाइंस बनाना है। ऊपर का लाइन बनाने के पहले इस बेस में थोड़ा चेंजेस कर लेना है, तब ही सेवन का नॉट पैटर्न ऊपर भी मिलेगा। उसी लिए मैं 4 वायर्स पर्पल वायर्स कट करी हूँ। मैं 4 वायर्स भी पर्पल कलर में कट करी हूँ। एक वायर का लेंथ 3 फीट है। इस 4 वायर्स को भी लेकर 4 साइड में भी इंसर्ट कर लेना है। देखिए इस तरह इंसर्ट कर लेना है, तभी सेवन का नॉट का होल परफेक्ट मिलेगा। यहाँ 4-5 नॉट्स के अंदर इंसर्ट कीजिए। इस तरह 4 साइड में भी वायर्स को इंसर्ट कीजिए। इस तरह 4 वायर्स को भी इंसर्ट करे बाद व्हाइट कलर रनिंग वायर यूज करके ऊपर का साइड वॉल बनाना है। मैं सारे लाइंस भी व्हाइट कलर रनिंग वायर यूज करके बनाने वाली हूँ। व्हाइट कलर रनिंग वायर को लेकर कहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह रनिंग वायर को लेकर यहाँ इंसर्ट कर लेना है। स्टार्ट करने का प्लेस का नीचे 7 का नॉट रहना है, वो ध्यान से देख लीजिए, तभी ऊपर का नॉट नॉर्मल नॉट बना सकते हैं। उसी लिए 7 का नॉट का प्लेस के ऊपर स्टार्ट कर लेना है। देखिए मैं फर्स्ट नॉट बना रही हूँ। पहले रनिंग वायर को फोल्ड कर लेना है, बाद में इस वायर को लेकर इसके ऊपर रैप कर लेना है, बाद में रनिंग वायर को लेकर ऊपर रख लेना है, नीचे का वायर को लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। मैं फर्स्ट नॉट बनाई हूँ, इस नॉट को अच्छा टाइट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट नॉट 7 का नॉट बनाना है। आप हमेशा स्टार्ट करने पे नॉर्मल नॉट में ही स्टार्ट कर लेना है, तब ही डिजाइन परफेक्ट मिलेगा। इसके बाद 7 का नॉट बनाना है। 7 का नॉट भी पहले बनाए जैसा बनाना है। पहले नीचे का वायर को इस तरह उल्टा फोल्ड कर लेना है, बाद में रनिंग वायर को एस शेप में रखे बाद इस लूप के अंदर रख लेना है, बाद में नीचे का वायर को लेफ्ट साइड में लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट करे बाद टाइट कर लेना है। इस तरह एक नॉट नॉर्मल नॉट, एक नॉट 7 का नॉट बनाना है, कंटिन्यूसली बनाते जाना है। इसके बाद कॉर्नर टर्न करने का तरीका मैं बताती हूँ। अब देखिए इस लाइन में लास्ट नॉट मैं बनाई हूँ। लास्ट नॉट 7 का नॉट बनाई हूँ। इसके बाद वायर पीस ज्वाइन करी थी ना, उस वायर में नॉट बनाना है। उस वायर में नॉर्मल नॉट ही बनाना है। इस तरह 4 कॉर्नर्स में भी वायर पीस में नॉर्मल नॉट ही बनाना है। इस तरह नॉर्मल नॉट बनाए बाद 7 का नॉट बनाना है। यहाँ का होल थोड़ा डिफरेंट रहेगा, नेक्स्ट लाइन में परफेक्ट मिलेगा। इसके बाद कंटिन्यूसली नॉट्स बनाते जाना है।
एक लाइन बनाए बाद लैडर नट बनाकर एक लाइन को कंप्लीट कर लेना है। मैं एक लाइन कंप्लीट करे बाद बताती हूँ। अब देखिए मैं एक लाइन कंप्लीट करी हूँ। इसके बाद लैडर नट बनाना है। लैडर नट बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी अपलोड करी हूँ, यहाँ भी मैं बताती हूँ। ये फर्स्ट नट है। फर्स्ट नट मैं नॉर्मल नट में बनाई हूँ। लास्ट नट सेवन का नट बनाई हूँ। अब इस दो नट्स को भी ज्वाइन कर लेना है, तब ही लैडर नट बना सकते हैं। इस तरह फर्स्ट नट को थोड़ा लूज करे बाद ऊपर पुल करके एक लूप बनाना है। बाद में इस रनिंग वायर को लेकर लास्ट नॉट का रनिंग वायर को लेकर इस तरह रिवर्स में फोल्ड कर लेना है। इसके बाद इस रनिंग वायर को लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। फर्स्ट नॉट का वायर को लेकर इस रनिंग वायर का लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में पुल करके टाइट कर लेना है। अब देखिए फर्स्ट नॉट भी लास्ट नॉट भी ज्वाइन हो गया। इसके बाद रनिंग वायर को पीछे लेकर इस तरह रिवर्स में लेकर सेकंड लाइन बनाना है। सेकंड लाइन नीचे का सेवन कट नॉट के ऊपर ही बनाना है, तभी डिजाइन परफेक्ट मिलेगा। उसी लिए यहाँ फर्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट बनाना है। फर्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट बनाए बाद नेक्स्ट नॉट सेवन कट नॉट बनाना है। सेम इसी तरह सेकंड लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। एक एक लाइन बनाए बाद लैडर नट बनाकर कंप्लीट कर लेना है, तभी परफेक्ट डिजाइन मिलेगा। देखिए इस तरह कंटिन्यूसली नॉट बनाइए। कॉर्नर्स में कोई चेंजेस नहीं है, कंटिन्यूसली नॉट्स बनाते जाना है। सेम इसी मेथड में सारे नॉट्स भी बनाइए। सारे नॉट्स बनाए बाद बताती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ तक कंप्लीट करी हूँ। सेम मेथड में सारे लाइंस भी कंप्लीट करी हूँ। टोटल 18 लाइंस में बनाई हूँ। एक एक लाइन में लैडर नट बनाकर कंप्लीट करी हूँ। इस तरह मिला है। सारे लाइंस भी व्हाइट कलर रनिंग वायर यूज करके मैं बनाई हूँ। इसके बाद इस बैग का ढक्कन डालना है। यहाँ देखिए एक साइड का वायर छोटा है, एक साइड का वायर बड़ा है। इस तरह लेंथी वायर में ही लिड बनाना है, उसी लिए छोटा वायर को अंदर इंसर्ट कर लेना है। साइड में यहाँ से स्टार्ट करके
नेक्स्ट साइड का व्हाइट नॉट तक इंसर्ट कर लेना है। सारे स्मॉल वायर्स भी अंदर इंसर्ट कर लेना है। यहाँ देखिए थर्ड लाइन में ही इंसर्ट कर लेना है, तभी एक लाइन अंदर फोल्ड होकर नीट फिनिशिंग मिलेगा। उसी लिए थर्ड लाइन का नॉट में इंसर्ट कीजिए। ये सेवन गन नॉट का बैग है, उसी लिए अंदर का नॉट जिगजैग शेप में मिला है। एक्स्ट्रा वायर्स को जिगजैग शेप में ही इंसर्ट कर लेना है। देखिए मैं सारे वायर्स भी इंसर्ट करने बाद बताती हूँ। अब देखिए सारे स्मॉल वायर्स अंदर इंसर्ट करी हूँ। इसके बाद इतना वायर रिमेनिंग है, टोटल 21 वायर्स रिमेनिंग है। इस 21 वायर्स में नॉट बनाकर इस बैग का लिड बनाना है। इस बैग का ढक्कन का डिजाइन सेम बेस का डिजाइन का जैसा बनाना है, उसी लिए 2 लाइंस व्हाइट कलर में बनाना है, बाद में 5 लाइंस पर्पल कलर में बनाना है, बाद में 2 लाइंस व्हाइट कलर में बनाना है। सेम 9 लाइंस ही ढक्कन में भी बनाना है, तभी ढक्कन का शेप परफेक्ट रहेगा। देखिए इस बेस में फर्स्ट लाइन व्हाइट कलर रनिंग वायर यूज करके मैं बनाई हूँ, उसी लिए लिट में भी व्हाइट कलर रनिंग वायर यूज करी हूँ। रनिंग वायर को लेकर 2 इंचेस छोड़कर नॉट को स्टार्ट कर लेना है। सेम पैटर्न ही ढक्कन में भी यूज कर लेना है। नीचे का नॉट सेवन का नॉट में है, उसी लिए फर्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट में स्टार्ट कर लेना है। देखिए फर्स्ट नॉट मैं नॉर्मल नॉट में स्टार्ट करी हूँ। सेम नीचे बनाए जैसा एक नॉट नॉर्मल नॉट, एक नॉट सेवन का नॉट, इसी तरह यहाँ भी बनाना है। इस लाइन में टोटल 21 नॉट्स बनाना है। इस तरह एक लाइन बनाए बाद 2 इंचेस छोड़कर वायर को कट कर लेना है। देखिए सेम इसी तरह 9 लाइंस बनाना है। 9 लाइंस बनाए बाद बताती हूँ। अब देखिए मैं 9 लाइंस बनाई हूँ। इस तरह ढक्कन का शेप मिला है। दो साइड में भी रनिंग वायर 2 इंचेस छोड़कर मैं कट करी हूँ। इस तरह ढक्कन बनाए बाद इस बैग का लॉक बनाना है। व्हाइट कलर वायर 7 वायर्स रिमेनिंग है। यहाँ इस बैग का लॉक बनाना है। यहाँ देखिए यहाँ व्हाइट कलर वायर को लेकर 2 इंचेस छोड़कर नॉट को स्टार्ट कर लेना है। फर्स्ट नॉट सेवन का नॉट बनाना है, क्योंकि नीचे का नॉट नॉर्मल नॉट है, उसी लिए यहाँ सेवन का नॉट बनाकर 7 नॉट्स बनाना है। नेक्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट, बाद में सेवन का नॉट, इस तरह 7 नॉट्स बनाना है। इस तरह 7 नॉट्स बनाए बाद वायर को नहीं कट कर लेना है।
रनिंग वायर को लेकर नेक्स्ट लाइन बनाना है, इस तरह पीछे लेकर लाइन में फर्स्ट नॉट बनाना है, फर्स्ट नॉट नॉर्मल नॉट बनाना है। इस तरह नॉट्स बनाने पे इस वायर को लेकर पीछे का रनिंग वायर का पीछे का लेकर इंसर्ट कर लेना है, बैक से फ्रंट को इस तरह इंसर्ट करके लूप बनाना है। बाद में रनिंग वायर को लेकर नॉट बनाना है, 7 नॉट्स भी बनाना है, तब ही पीछे का रनिंग वायर बायर नहीं दिखता है। देखिए इस तरह पीछे लेकर लूप बनाकर बाद में नॉट बनाना है। तो इस तरह बनाने का डिफिकल्ट रहा तो वायर को दो साइड में भी कट करके नॉट बनाइए, वो भी आसान है। इस तरह मैं 3 लाइंस बनाई हूँ। इसके बाद लॉक का होल बनाना है। बनाने के लिए सेंटर का एक वायर में एक वायर को इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करे बाद दो साइड में भी 3-3 वायर्स है, 3-3 वायर्स में नॉट बनाना है। पहले लेफ्ट साइड का वायर में नॉट बनाना है, लेफ्ट साइड का 3 वायर्स में भी नॉट बनाए बाद कंटिन्यूसली बनाना है। यहाँ देखिए इस तरह लॉक का नेक्स्ट लाइन में बना रही हूँ। बनाए बाद ही राइट साइड का नॉट्स बनाना है, 3 लाइंस बनाना है। 3 लाइंस बनाए बाद रनिंग वायर को कट कर लेना है। रनिंग वायर को कट करके अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में राइट साइड में भी सेम इसी तरह 3 लाइंस बनाना है। इसके बाद नीचे का लाइन बनाना है। नीचे भी सेम पहले बनाए जैसा 2 इंचेस छोड़कर नॉट्स बनाना है। पहले 3 नॉट्स बनाए बाद हाफ फीट का एक वायर लेकर यहाँ नॉट बनाना है, तब ही इस लॉक का होल मिलेगा। 4th नॉट बनाए बाद नेक्स्ट राइट साइड का 3 वायर्स में भी नॉट बनाना है। देखिए इस तरह 3 नॉट्स में बनाई हूँ। इस तरह 3 नॉट्स बनाए बाद बीच में हाफ फीट का वायर ज्वाइन करे बाद एक नॉट बनाना है। इस लाइन में 7 नॉट्स मिलेगा। सेम इसी तरह 3 लाइंस बनाना है। मैं 3 लाइंस भी बनाए बाद बताती हूँ। लाइंस बनाए बाद वायर्स को अंदर इंसर्ट कर लेना है। देखिए लॉक मिला है। इसके बाद नीचे का बटन बनाना है। नीचे का बटन में फ्लावर बनाई हूँ। वो फ्लावर बनाने का सारे डिटेल्स ऊपर का लिंक में मैं दी हूँ, वो देखकर फ्लावर बनाइए। आप सारे वायर्स भी अंदर इंसर्ट कीजिए। मैं सारे वायर्स भी अंदर इंसर्ट करे बाद बताती हूँ।
अब देखिए मैं सारे वॉइस भी अंदर इंसर्ट करी हूँ, फ्लावर भी बनाकर रखी हूँ। इस तरह लॉक मिला है। देखिए इसमें डालने का बहुत आसान है, बहुत अट्रैक्टिव भी है। आप जरूर इस तरह डिजाइन ट्राई कीजिए। इसमें थोड़ा डाउट रहा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आंसर कर सकती हूँ। इसके बाद इस बैग का हैंडल बनाना है। इस बैग का हैंडल 4 वायर यूज करके मैं बनाई हूँ। एक वायर पीस का लेंथ 5.5 फीट है। 4 वायर यूज करके मैं हैंडल बनाने का ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड करी हूँ, उसका लिंक भी ऊपर में दी हूँ। देखकर इस तरह हैंडल बनाइए। इस हैंडल बनाने का कोई डाउट रहा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। इस बैग का लेंथ 9 इंचेस है, विड्थ 4 इंचेस है, हाइट 7 इंचेस है। ये मिनी साइज लंच बैग के लिए आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो आपको यूजफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।